गाइस आज का सवाल है कि आप लोगों के पास M1014 शॉटगन की कितनी सारी स्किन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एटीट्यूड गेमर्स। गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग परफेक्ट एमलॉक कैसे कर पाओगे शॉटगन से। गाइस डिजर्ट ईगल की एमलॉक की ट्रिक आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। और गाइस चलो इस वीडियो के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। इस पर वन टैप रोटेशन ट्रिक और बेस्ट सेंसिटिविटी के साथ बेस्ट फायर बटन की साइज भी, और आप लोग किस तरह से एमलॉक कर पाओगे, कहाँ से आप लोगों को रोटेशन करना चाहिए, वो आज पूरे वीडियो पर कवर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखना गाइस। आप लोग को मतलब कि जितने भी ट्रिक है एमलॉक के ऊपर सभी इस वीडियो पर क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले सेंसिटिविटी की बात की जाए तो देखो, अपडेट से पहले 98 रखना था जनरल को, बट गाइस अब आप लोगों को रखना होता है 100, जिससे आप लोग परफेक्ट वन टैप मार पाते हो। और गाइस वन टैप तभी लगता है जब आप लोगों का एम लॉक होता है, तो आप लोगों की वन टैप की सेंसिटिविटी वर्क होगी एम लॉक पर। और गाइस देखो रेड डॉट यहाँ पर आप लोगों का एम लॉक में ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसको आप लोग 55 से 60 के बीच रख सकते हो या फिर 50 भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छी सेंसिटिविटी होती है रेड डॉट की आफ्टर अपडेट। पहले तो आप लोगों का 85 रखना था, बट गाइस अपडेट के बाद आप लोग 50 से 60 के बीच रखना, जिससे आप लोगों का एम लॉक बहुत ही परफेक्ट होगा। गाइस आप लोगों का फायर बटन का साइज भी बहुत ही मदद करता है आप लोगों के वन टैप पर और एम लॉक पर। गाइस ये समझो कि आप लोगों का वन टैप तभी लगता है जब आप लोगों का एम लॉक होता है, बिना एम लॉक के आप लोग वन टैप मार ही नहीं सकते हो। सो गाइस वन टैप की सेंसिटिविटी और फायर बटन साइज दोनों वर्क होगी इस एम लॉक के ट्रिक पर। सो फायर बटन की साइज आप लोग रख सकते हो, जैसा कि आप लोगों के डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा वो रख सकते हो। और गाइस जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो, पीछे जो बैकग्राउंड गेम प्ले चल रहा है वो बहुत ही ओपी वाला है, जितना भी आप लोगों को शुरू से मैंने दिखाया। गाइस सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जैसे ही आप लोग रेड एम करते हो उसके बाद फायर करते हो, तो बंदे के सामने अगर कहीं पर भी रेड एम हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो हमने फायर किया है वो डैमेज सीधा बंदे को ही पड़ेगा। मतलब कि गाइस अगर आप लोग अपना एम सिर्फ और सिर्फ रेड ही कर लेते हो और फायर करते हो, तो ऑटोमेटिक जो आपका बुलेट है वो सीधा बंदे को लगेगी और उसे डैमेज पड़ेगी। गाइस सेकंड ट्रिक है कि आप लोग अपना एम जो है वो नीचे रखना बंदे के, और आपका एम रेड ही होना चाहिए। और जैसे आप लोग फायर करते हो गाइस, तो इस पर आप लोगों को रोटेशन ड्रैग नहीं करना होता है, इस पर करना होता है आप लोगों को सिंपल सा ड्रैग। मतलब कि आप लोग फायर बटन को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एम रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग का जो एम है वो बंदे से नीचे है, आप लोगों को रोटेशन या करना ही नहीं होता है, या नहीं तो आप लोगों का हेडशॉट लगेगा नहीं। और गाइस देखो उससे अच्छा आप लोगों का वाइट एम, मतलब कि अगर आप लोग वाइट एम पर हेडशॉट मारना चाहते हो और अपना एम लॉक करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना होगा, वाइट एम पर रखने के बाद आप लोगों को बंदे से नीचे पर एम रखना होगा, तभी आप लोगों को वन टैप लगेगा। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है गाइस कि आप लोगों को हमेशा रोटेशन करना ही नहीं है इस जगह पर। अगर आप लोग नीचे रखते हो बंदे के कहीं भी, तो आप लोगों को सिंपल सा ड्रैग करना है, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग। रोटेशन ड्रैग यहाँ करना ही नहीं है। आप लोग किसी भी क्लिप को देख सकते हो जहाँ पर मैंने अगर अपना एम नीचे रखा है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रैग किया, रोटेशन ड्रैग किया ही नहीं है। गाइस यहाँ देखो सेकंड ट्रिक आती है गाइस कि आप लोगों के बंदे जिधर भी साइड हो, मतलब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड है, तो मैंने क्या किया अपना रोटेशन किया राइट से लेफ्ट की ओर, इसी से आप लोगों का एम लॉक होता है गाइस, नहीं तो आप लोगों का एम लॉक नहीं होगा। ऐसे जगह पर आप लोगों को करना होता है रोटेशन ड्रैग। जैसे कि देखो इसी क्लिप पर देख लो, इस जगह पर जो बंदा था वो मेरे राइट पर था, सो मैंने लेफ्ट से राइट की ओर रोटेशन किया और एम लॉक होने के बाद उसे सिंपल सा हेडशॉट लग गया। गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन पर बहुत सारे वीडियोस की लिंक है, आप लोग वहाँ टाइटल पढ़कर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। और गाइस हाँ, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।